हेलो एवरीवन्स, नेहा हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम रोल्स के लिए पराठे कैसे बनाएंगे, यानी कि वेज रोल, पनीर रोल या एग रोल, आपके जो भी फेवरेट रोल्स हैं उन सभी के लिए पराठे आप कैसे बनाएंगे। बेसिकली जो रोल्स के लिए पराठे होते हैं वो मैदे से बने होते हैं, बट मैं इन पराठों को बनाऊंगी होल व्हीट यानी कि गेहूं के आटे से, और इसमें जो मैदे की क्वांटिटी है वो बहुत ही कम रहेगी, लेकिन पराठे आपके उतने ही स्वादिष्ट बनेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 कप आटा और 1/2 कप मैदा, और इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप दही, चीनी 1 टीस्पून, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट और 1/2 टीस्पून। तो इसमें हम मोयम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून और 3 टीस्पून। तो और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे पहले, और इसके बाद हम इसमें वाटर डालेंगे आटे को गूंथने के लिए स्पून, और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे हम अच्छे से गूंथ लेंगे इस आटे को। बेसिकली आपको यहाँ पे ध्यान रखना है जो रोल का जो पराठा होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना गूंथे और बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना गूंथे, वो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए ताकि रोटी बनाते समय उसमें कोई क्रैक्स ना आए। तो ये देखिए, ये आटा बिल्कुल गूंथ के तैयार हो चुका है, काफ़ी स्मूथ है। तो इसे हमने 15 मिनट्स के लिए ढक के रख दिया था, एंड देन इसके बाद इसे मैंने इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर दिया है। मैदे में हमें इसे डस्ट कर लेना है, और उसके बाद इसे हमें रोटी जैसे बनाना है। बीच बीच में अगर आपको ज़रूरत हो तो आप मैदे से इसे डस्ट करें। तो हमें रोल्स के लिए पराठे बना लिए हैं, और इन्हें अभी अब हमें सेकना है, और बहुत थिन भी नहीं है। तो तवे को पहले अच्छे से गर्म कर ले, उसके बाद पराठे को इसमें डालें और इसे गोल गोल करके धीमी आंच में मीडियम फ्लेम में करके सेकें। तो जब ये एक साइड थोड़ा सिक जाए उसके बाद इसे हमें पलट देना है। तो रोल का पराठा बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि जो पराठे हैं वो दोनों साइड से अच्छे से पकने नहीं चाहिए, यानी कि रोल के पराठे हमारे थोड़े ठंडे हो जाते हैं उसके बाद ये रोल बनाने के काम आते हैं, और इससे रोल ज़्यादा अच्छा बनता है। तो ये जो मैंने रोल के पराठे बना के निकाले हैं वो एक साइड से तो अच्छे से सिके हुए रहेंगे जिधर हमें मसाले लगाना है, और दूसरी साइड जो वो पैन पे रहेगा जिस समय हमें मसाला लगाना है तो उस साइड आपको कम सेकना है। तो इससे क्या होंगे, आपके पराठे जलेंगे नहीं और काफ़ी क्रिस्पी भी बनेंगे। सो इन बातों का ध्यान रखें और आपके जो पराठे हैं वो काफ़ी स्वादिष्ट बनेंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने मैदा नहीं होल व्हीट आटा यूज़ किया है। तो होप आपको मेरा आज का यह रेसिपी टिप अच्छा लगा हो, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स मुझे लिखना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं तो आपको मिले नोटिफिकेशन सबसे पहले, और आप एक भी रेसिपीज मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।